ललन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बहुत ही आत्मीय बातचीत हुई थी जी। लेकिन सुधाकर सिंह के मुंह पर ताला नहीं लगा है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों को टारगेट में ले लिया है जी। चिराग पासवान ने स्पष्ट तरीके से कहा है उनका सीधा लड़ाई जो है वो जदयू यानी नीतीश कुमार से है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा करते हैं। पिछले 24 घंटे की खबरों का निचोड़ देते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो ऐसे में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें भाजपा और लालू का सीक्रेट एजेंट कौन है। अब सीक्रेट एजेंट की चर्चा लगातार हो रही है, तो बाबा पहली खबर की तरफ बढ़ेंगे और बताएंगे कि इस सीक्रेट एजेंट की चर्चा क्यों है और क्या खास है, क्यों भारतीय जनता पार्टी और लालू की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है, कौन सी सीक्रेट एजेंट की बात हो रही है बाबा। देखिए सनी, बिहार की राजनीति में जब से ये सरकार बदली है यानी महागठबंधन की सरकार बनी है तब से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और लगातार नीतीश कुमार को निशाने पर रखा जा रहा है जी जी। क्योंकि कुर्सी तो आखिर अंततः नीतीश कुमार के पास ही है। एक तरफ आपको याद होगा कि ये चर्चा शुरू हुई थी जब ये सरकार बन रही थी कि जल्दी ही तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप देंगे जी। लेकिन उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है प्रारंभिक तौर पे देखा गया था कि जो बदल रही थी, जिसमें सबसे पहली बात ये बदली थी कि ललन सिंह जो सबसे बड़े विरोधी थे जी राष्ट्रीय जनता दल के, लालू प्रसाद के, तेजस्वी यादव के, उनका रवैया बदला जी। और वहीं आपको बता दें कि ललन सिंह ही वो शख्स थे जो सबसे पहले जाकर के इस अनुबंध को तैयार किए थे जी। और उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी आप चाहते हैं समाजवादियों को एकजुट हो जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। अब यहां से उनकी तैयारी शुरू हुई 40 सीटों को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा काफी के साथ रातों रात करते हुए मैंने बताया था कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, नॉमिनेशन फाइल हो रहा था, तब ललन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बहुत ही आत्मीय बातचीत हुई थी जी। खुद प्रधानमंत्री ने ललन सिंह को अपने पास बुलाया था जी, जी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि सबसे पहला काम क्या हुआ था, तो आरसीपी का एग्जिट हुआ था जी। इसका सीधा मतलब था कि आरसीपी और ललन सिंह में 36 का आंकड़ा है। लेकिन क्या आपने कभी भी आरसीपी को ललन सिंह पर हमला करते देखा है जी? बिल्कुल नहीं देखे होंगे, ना बिहार की जनता ने देखा है। उनका सीधे कहना है कि मेरा टारगेट जो है वो नीतीश कुमार है। वहीं आपको बता दें कि सबसे पहली बात मैं बताऊंगा कि कौन है लालू प्रसाद का सीक्रेट एजेंट। उससे पहले मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर को लेकर के भी कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सीक्रेट एजेंट है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो इसके पीछे कारण है कि आप शिवानंद तिवारी का वो बयान याद कीजिए। शिवानंद तिवारी ने कहा था कि नीतीश कुमार को आश्रम में चले जाना चाहिए जी। लेकिन उसके बाद शिवानंद तिवारी का पलटवार हुआ है कि प्रशांत किशोर बिहार में क्या खोजने आए हैं, न तो राजनीतिक व्यक्ति हैं न उनकी राजनीतिक जमीन है जी। और इसके बावजूद वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को बदनाम करने की कोशिश जो कर रहे हैं उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सीक्रेट एजेंट के रूप में बिहार में सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद वो देखना चाहते हैं कि कितना मजबूत है ये महागठबंधन। इन सारी बातों को लेकर के अभी प्रशांत किशोर के तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में मैंने शुरू में बताया कि उसके केंद्र में नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को लेकर के एक और बड़ी बात कही जा रही है भाजपा के तरफ से, और इसमें बड़ा खुलासा किया गया है कि लालू प्रसाद के सीक्रेट एजेंट के रूप में ललन सिंह काम कर रहे हैं जी। और यह निश्चित रूप से बड़ी खबर है और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब से ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं भेजे तब से वो नाराज चल रहे हैं। और ललन सिंह के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार का वो दिन नहीं भूला है जब ललन सिंह को नीतीश कुमार ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, बात तक लंबे समय तक नहीं की थी। एक बहुत पुराने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के सहयोगी हैं, इसके साथ साथ ललन सिंह के भी अच्छे मित्र हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जितने दिनों तक ललन सिंह बाहर रहे जदयू से, नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा प्रयास करते रहे, चूंकि मित्रता उन लोगों की छात्र जीवन से ही थी, वो कई बार कोशिश किए लेकिन
नीतीश कुमार ने उनसे बात तक नहीं किया, वो घंटों इंतजार करते रहे कई बार बिहार भवन में दिल्ली, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको घास नहीं डाला था। तो इसका मतलब है कि उस अपमान का बदला ललन सिंह लेना चाह रहे हैं, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। वहीं दूसरी तरफ ये कहना है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद भी 2017 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया था वो नहीं भूले हैं। और तीसरा नंबर जो है आरसीपी सिंह का है कि आरसीपी सिंह जितना ज्यादा समर्पित उनके प्रति थे, लेकिन अंततः उनके साथ भी नीतीश कुमार ने न्याय नहीं किया। जी, तो एक चर्चा और भी हो रही है कि ये दो जो सीट थे जिस पर उपचुनाव हो रहा था, मुकेश सहनी ने प्रत्याशी नहीं उतारे इसलिए कि महागठबंधन की तरफ उनका रुख है। जी, आपने भी देखा, तो क्या लगता है मुकेश सहनी का अब नया ठिकाना कहाँ होगा? देखिए, मुकेश सहनी के मैं पंचनामा में सुन रहा था, शायद संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को बता रहे थे कि मुकेश सहनी झारखंड में है, वहाँ अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, और वहाँ से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों को टारगेट में ले लिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे निषाद समाज को आप एससी एसटी में शामिल कीजिए। इसके लिए उन्होंने तीन राज्यों का नाम बताया है कि यहां से शुरुआत की जाए, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने एक खुला निमंत्रण दे दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो उनकी बात मानेगा उसके तरफ पहले शिफ्ट करेंगे, कारण कि उनकी राजनीति आप जान रहे हैं, शुरू से ही वो निषाद आरक्षण को लेकर के अपनी राजनीति किए हैं, और उसी के आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ा था, और उसी के आधार पर इस बार वो आना चाहते हैं महागठबंधन के तरफ कि महागठबंधन उनकी बात मानेगा और बिहार में निषाद समाज को एससी एसटी में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा पेच है सनी, पेच ये है कि क्या एससी एसटी समाज में उस आरक्षण के दायरे में जो जातियां हैं वो इस बात को स्वीकार करेंगी अगर दायरा नहीं बढ़ाया जाता है तो? वहां तो कंपटीशन बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, और ये पेच जो फंस गया है, इस पेच में मुकेश सहनी चाहे जो भी आश्वासन हो या जिस तरह की बात हो, जहां उनको लगेगा कि हमारे लिए बेहतर कुशन है वहां वो शिफ्ट करेंगे। हालांकि उनका झुकाव अभी भी महागठबंधन की तरफ है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि भारतीय जनता पार्टी से उनको ऑफर मिल रहा है। जी, एक और बात सामने आ रही है, यही उपचुनाव से जुड़ा हुआ है, चिराग पासवान ने भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने कहा कि जदयू के प्रत्याशी अगर वहां उतरते तो हम अपने प्रत्याशी उतार लेते, मतलब तेजस्वी के साथ ठीक है सब कुछ। देखिए, पहले प्रश्न में इस प्रश्न का जवाब है, क्या बिहार में सीक्रेट एजेंट सक्रिय हैं? अगर सक्रिय हैं तो चिराग पासवान की बात उसको पूरी तरह से भैरी करती है। जी, चिराग पासवान ने स्पष्ट तरीके से कहा है उनका सीधा लड़ाई जो है वो जदयू यानी नीतीश कुमार से है। उनका सीधा कहना था कि नीतीश कुमार का यदि कोई भी उम्मीदवार उतरा होता तो मैं उसके विरुद्ध अपना उम्मीदवार उतारता, यानी कि वो अपने लिए पलड़ा बराबर रखना चाहते हैं, जिधर भी 2024 में झुकेगा उधर वो जाएंगे। हालांकि ये चांस ज्यादा लग रहा है कि महागठबंधन के तरफ वो नहीं जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन में अपने ही बड़ी भीड़ है, और अगर सीट किसी के पास बच रहा है, सरप्लस सीट किसी के पास है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि 16 सीटें तो ऐसे ही नजर आ रहा है खाली हुई। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का नया ठिकाना तो आपको पता है कि वही होगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में एक बात जो भीतर खाने में चल रही है कि नीतीश कुमार को साइड करके तेजस्वी यादव और अन्य दलों को मिला करके एक नया गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि सीक्रेट एजेंट वाली बात जो हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने की जो चर्चा चल रही है और उसके लिए सीक्रेट एजेंट जो है वो माने पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, तो ये चिराग पासवान का जो ये बयान है और अपने उम्मीदवार को नहीं उतारना, ये इस बात को कहीं ना कहीं बल जरूर देता है। जी, एक और लगातार बिहार की सियासत से व्यक्ति दूर चल रहे हैं, जगदानंद सिंह, उनको लेकर काफ़ी चर्चा है, उनके पुत्र मान नहीं रहे हैं अभी तक, लगातार बयान दे रहे हैं, तो क्या लगता है, बार बार खबर आ रही है कि जगदान सिंह आ रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है जगदान सिंह हैं कहाँ? देखिए, जगदानंद सिंह के पुत्र जो हैं वो मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हैं, लेकिन पार्टी में जब वो बात बोल रहे हैं वो हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, और विधायक होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल का सारा नियम कानून उन पर लागू होता है। जी जी, लेकिन उस नियम कानून से बाहर निकल करके वो लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उन्हीं के पिता जगदानंद सिंह ने ये घोषणा किया था कि कोई भी तेजस्वी यादव को छोड़कर नहीं बोलेगा, लेकिन सुधाकर सिंह के मुंह पर ताला नहीं लगा है। ये कारण है कि जगदानंद सिंह अभी एकदम बिल्कुल किनारा है। जब तक नीतीश कुमार के साथ एक, इसमें फिर से एक बार वही बात आ जाती है कि क्या कोई नीतीश कुमार के विरुद्ध बड़ी प्लानिंग चल रही है जिससे नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारा जाए,
इस प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकते हैं। हालांकि आज जो खबर आप हम लोग कर रहे हैं इसके एक दिन पहले बड़ी जबरदस्त चर्चा हो रही थी कि जगतानंद सिंह आएंगे, अपना कार्यभार जो है वो दूसरे को दे देंगे, चार्ज दे देंगे, अध्यक्ष पद से बाहर चले जाएंगे, इस्तीफा मिले जाएंगे। देने क्या जरूरत है, जब इस्तीफे देना है तो फिर आएंगे क्यों? नहीं, वो तो चार्ज देना ही पड़ेगा ना, ये तो एक प्रक्रिया है, सामान्य सी प्रक्रिया है। अपना पत्र भेज दिया है ना, तो जैसे उनका एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाएगा तो जो लोग होंगे ऑफिस में, ऑफिस बेयरर के सामने, वो अपना कार्यभार तो जरूर। आप लंबे समय से देख रहे हैं, क्या लगता है जगदानंद सिंह आकर कार्यभार देने वाले हैं, या हो सकता है कि जगदानंद सिंह आए ही नहीं, आए तो अध्यक्ष पद पर बने रहे? देखिए, संवैधानिक रूप से जगतानंद सिंह पर ये लगता है, जगतानंद सिंह को संवैधानिक, चूंकि वो जानते हैं आपकी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने वाले आदमी हैं, अनुशासित व्यक्ति हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अध्यक्ष के नाते उनके पास जो चार्जेज हैं, उस चार्जेज को किसी न किसी को तो सौंपना होगा उनको। जी, जी। इसके लिए उन्हें एक बार, चाहे मन से हो, बेमन से हो, चाहे जिस तरह से भी हो, आ करके वो चार्ज देना ही पड़ेगा उनको। ये भी खबर आई है कि अब तक वो पिछले एक सप्ताह से लगातार अपने घर पर, यानी अपने गांव पर जरूरी फाइलों को निपटा रहे थे, लेकिन अब वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। और इधर सुधाकर सिंह का जो हमला है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के कोई बड़ी योजना जरूर बन रही है, जिस योजना में जो सीक्रेट एजेंट हैं वो काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, और इस दो सीटों के चुनाव खत्म होते ही, इसके परिणाम आते ही बिहार में एक बड़ी राजनीतिक घटना होगी, ऐसा सभी को का कहना है और सभी लग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह की वापसी को लेकर भी चर्चा है, चिराग पासवान का नया ठिकाना कहाँ होगा, मुकेश सहनी किस तरफ जाएंगे, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और लालू प्रसाद यादव का बिहार में एजेंट कौन है, जिसको लेकर चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रशांत किशोर बैटिंग कर रहे हैं, और ललन सिंह राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, ये दोनों लोगों को सीक्रेट एजेंट बताया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस रात रात में, अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386